गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स. बेटा एक्सरसाइज 6C का क्वेश्चन नंबर 4 देखिए. इसमें डिवाइड का क्वेश्चन है. 1, 2, 3 तक जो क्वेश्चन किए हमने वो मल्टीप्लाई किए थे. ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, इसमें डेसिमल के नंबर है उनको डिवाइड करना है. तो जैसे हम डिवाइड करते आ रहे हैं वही तरीके जो है उससे डिवाइड करेंगे, लेकिन इसमें डेसिमल का ध्यान रखना आपको. जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 2.4 को डिवाइड करना है आपको 4 से. तो देखा आपने डेसिमल से पहले 2 है, 2 डिवाइड नहीं हो रहा. जब जैसे ही आप डेसिमल के बाद वाला नंबर लेते हो तो क्वेश्चन्ट में आप डेसिमल लगा दोगे. ठीक है, अब हमारे पास क्या हो गया, यहाँ नीचे आपको कोई डेसिमल नहीं लगाना है. ठीक है, डेसिमल आपने क्वेश्चन्ट में लगा दिया क्योंकि यहाँ हमने 4 ले लिया. 4 6 24. ठीक है, आपने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो इसका क्वेश्चन्ट क्या आ जाएगा, डेसिमल 6 आ जाएगा. उसके बाद जो बी पार्ट है उसमें भी यही है, 6.3 को डिवाइड करना है आपको 7 से. यहाँ 6 छोटा है बेटा, 7 से डिवाइड नहीं हो रहा. डेसिमल के बाद वाला नंबर जब हमने देखा ये 63 बन गया. तो ठीक है, जैसे ही हमने डेसिमल के बाद वाला नंबर ले लिया डिवाइड करने के लिए तो क्वेश्चन्ट में आप डेसिमल लगा देंगे. ठीक है, तो क्या बन जाएगा, 7 9 जा 63. उसके बाद इसका सी पार्ट है 1.21 / 110. इस तरह के मतलब आप जब क्वेश्चन करोगे यदि नंबर डेसिमल के बाद वाला कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता है तो ये जो डिविडियंट है उसमें आप जीरो लगा लोगे. आप जब आपने देखा 1 देखा यहाँ पे डिवाइड नहीं हो रहा तो आप यहाँ क्वेश्चन में जीरो लगा दो. ठीक है, उसके बाद डेसिमल के बाद वाला सिंगल मतलब एक एक नंबर करके ही लिया जाएगा आपसे. ठीक है, 1 जब हमने 12 देखा, 12 भी डिवाइड नहीं हो रहा, 110 से छोटा है तो क्वेश्चन में आपने क्या लगा दी, जीरो लगा दी. उसके बाद आपने 1 देखा, 121 है, 121 को जब आप 110 से डिवाइड करोगे तो 1 पे ही डिवाइड होगा. ठीक है, हमें तो क्वेश्चन में 21 दिया हुआ था लेकिन आप यहाँ जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं बचता यहाँ आप जीरो लगाते जाओगे और उस नंबर को डिवाइड करोगे. ठीक है, 110 को फिर डिवाइड किया, 1 से डिवाइड होगा तो इसका क्वेश्चन क्या आ जाएगा बेटा, डेसिमल 011. ठीक है, उसके बाद इसका जो डी पार्ट है वो देखिए, 8.1 को डिवाइड करना है 9 से. 9 से आप डिवाइड करोगे तो डेसिमल लग जाएगा क्योंकि 8 छोटा है, डेसिमल के बाद वाला नंबर ये हमने ले लिया तो 9 9 जाए 81 आ जाए. ठीक है, उसके बाद है 14.4 को डिवाइड करना है आपको किससे, 12 से डिवाइड करना है बेटा. ठीक है, 12 1 जा 12 डिवाइड हो गया क्योंकि डेसिमल से पहले है तो आप डेसिमल नहीं लगाओगे. यहाँ 2 बचा, जब आपने डेसिमल के बाद वाला नंबर यहाँ नीचे लिख लिया तो यहाँ क्वेश्चन में आप क्या लगाओगे, डेसिमल लगाओगे. 12 2 जा 24, तो ये क्या बन गया, 1.2 बन गया. ठीक है, एफ पार्ट है 3.6 को डिवाइड करो आप 6 से. ठीक है, 3 छोटा है, डिवाइड नहीं होगा, डेसिमल आप क्वेश्चन में लगा दो. यहाँ जीरो लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो, नहीं लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है. 6 6 जा 36. ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है, इसमें भी आपको डिवाइड ही करना है. इसमें देखिए 82.4 को डिवाइड करना है 25 से. ठीक है, पहले आप 82 को डिवाइड करो, 25 से हो जाएगा डिवाइड, डेसिमल से पहले है. 25 3 जा 75. टेबल नहीं आती है तो आप मल्टीप्लाई करके देखोगे. ठीक है, 12 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया, 7 बच गया. डेसिमल के बाद वाला जैसे ही नंबर आप यहाँ डिवाइड करने के लिए लिखते हो क्वेश्चन में आप डेसिमल लगा दोगे. ठीक है, 25 2 जा 50. यहाँ आपके पास 4 बच गया, यहाँ 2, फिर आपने किया 9 पे डिवाइड होगा ये, फिर ये 6 पे डिवाइड होगा. डिवाइड बिल्कुल सिंपल है बेटा, बस सिर्फ आपको यहाँ डेसिमल का ध्यान रखना है. यह 191 डेसिमल 5 को डिवाइड करना है आपको 5 से. ठीक है, 5 3 जा 15. 4 बच्चा, डेसिमल से पहले वाला ही नंबर है. 5 8 जा 40. 1 आपने यहाँ नीचे लिखा. अब डेसिमल के बाद वाला नंबर जब आपने यहाँ लिख लिया तो आप क्वेश्चन में क्या लगा दोगे, डेसिमल लगा दोगे. ठीक है, 5 3 जा 15. ठीक है, उसके बाद आप इसका डी वाला पार्ट देखिए, 798.3 को 36 से डिवाइड करना है. इसमें देखिए 36 2 जा 72. यहाँ फिर 2 पे डिवाइड हुआ, फिर ये 1 पे. यहाँ जैसे ही आपने डेसिमल के बाद वाला नंबर लिखा आपने डेसिमल लगा दी. यहाँ आपको 3 तक दिया हुआ था लेकिन जब आपने 3 से डिवाइड किया यहाँ हमारे पास यहाँ 27 बच गया, ये नंबर पूरा डिवाइड नहीं हुआ. तो आप यहाँ डिविडियंट में 0 लगाओगे और 0 यहाँ नीचे लिखोगे और फिर डिवाइड करना है इसको. ये ध्यान रखना है जब तक रिमाइंडर 0 नहीं बचता तब तक आप यहाँ 0 लिखोगे और आप यहाँ नीचे लिख के उसको डिवाइड करोगे आगे. ठीक है, फिर 7 पे डिवाइड हुआ और फिर 5 पे डिवाइड हुआ तो ये फिर कम्प्लीटली डिवाइड हो गया. ठीक है, उसके बाद इसका डी पार्ट देखिए, 7800.78 को 78 से डिवाइड करना है.
78 वन जा 78, यहाँ जीरो लिखा डिवाइड नहीं हुआ क्वेश्चन में जीरो, फिर ये जीरो लिखा डिवाइड नहीं हुआ, फिर डेसिमल के बाद वाला नंबर आपने यहाँ लिखा तो देखा आपने ये भी डिवाइड नहीं हुआ तो यहाँ जीरो लगाई, फिर एट लिखा तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, ठीक है। उसके बाद आप इसका ई पार्ट देखिए, 316.84, 84/8, 83 जा 24, यहाँ 7 बचा, 8 9 जा 72, फिर 8 6 जा 48, फिर यहाँ देखिए आपने जब आप 4 यहाँ लिखा तो ये नंबर डिवाइड नहीं हुआ, 8 बड़ा है और 4 छोटा है, डिवाइड नहीं हुआ, आपने यहाँ से फिर 0, यहाँ आपने अपनी तरफ से 0 लगाई है। ये बताया है मैंने आपको कि जब तक ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो जाता आप डिविडेंड में 0 लगा सकते हो डेसिमल के बाद, ठीक है। यदि यहाँ डेसिमल नहीं है तो आप 0 नहीं लगा सकते, यदि आपके पास यहाँ डेसिमल दिया हुआ है तो आप यहाँ 0 लगा सकते हो, ठीक है। 8 5 सा 40, ठीक है। उसके बाद 51 से डिवाइड करना है, यदि आपको डिवाइड करना बड़े नंबर है नहीं आता है मल्टीप्लाई करके लिखो, 51 2 जा 102, 0 यहाँ से आपने लिखा ये डिवाइड नहीं हुआ, फिर आपने डेसिमल के बाद वाला नंबर यहाँ लिखा तो यहाँ क्वेश्चन में आपने डेसिमल लगा दिया फिर भी ये डिवाइड नहीं हुआ, फिर आपने 0 लिखा तो भी ये डिवाइड नहीं हुआ, क्वेश्चन में 0 लगा दिया। सेम वही तरीका है डिवाइड करने का, सिर्फ यहाँ डेसिमल डेसिमल का ध्यान रखना है, जैसे आप डेसिमल के बाद वाला नंबर लिखते हो यहाँ तो आपको यहाँ क्वेश्चन में डेसिमल लगा देना है, ठीक है। उसके बाद आप जी पार्ट देखिए, वो भी सेम यही है, 47 से डिवाइड किया, 47 वन जा 47, 12 बच गया, फिर आपने 2 से डिवाइड किया, यहाँ आपके पास 32 बचा, फिर आपने 9 लिखा तो आपने क्वेश्चन में डेसिमल लगा दिया, फिर ये 7 से डिवाइड होगा, ठीक है। इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है, इसको आप अपने आप कर लोगे क्योंकि बिल्कुल एक ही तरीके का क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। 5 वाला जो क्वेश्चन है इसमें कुछ भी नहीं है डिवाइड करके दिखाने की जरूरत नहीं, इसको टेबल में ही करना है। 10 से डिवाइड करना है तो डेसिमल एक डिजिट और इधर खिसक जाएगा, 100 से करोगे तो जहाँ डेसिमल लगा हुआ उसमें 2 डिजिट और आगे की तरफ हो जाएगा, 1000 से डिवाइड करोगे तो जहाँ डेसिमल है उससे 3 डिजिट और आगे, और 10,000 से करोगे तो 4 डिजिट पहले आगे डेसिमल खिसकता चला जाएगा, बस डेसिमल चेंज हो जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे करोगे इन क्वेश्चंस को, इसको मैंने सोल्व नहीं किया, आप अपने आप करोगे। जैसे आपको दे दिया 4.83 है, इसको यदि आपको डिवाइड करना है 100 से तो डेसिमल जहाँ है उसको नहीं, डेसिमल से आगे वाले नंबर देखोगे 2 डिजिट और पहले डेसिमल लगेगा इधर, लेकिन यहाँ आपके पास एक ही डिजिट दे रखा है तो एक आप अपने तरफ से 0 लगा लोगे तो 0483 आएगा, ठीक है। जैसे आपको दे दिया 97.81/10 दे दिया, ठीक है, 10 दे दिया तो डेसिमल कितने डिजिट खिसकेगा, एक डिजिट ही इधर आएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बन जाएगा, ये 9.781, जहाँ डेसिमल है जितनी नीचे 0 है उतने ही नंबर इधर की तरफ डेसिमल आप लगा दोगे, ठीक है। और ये ध्यान रखना एक नंबर में एक ही जगह डेसिमल लगेगा, ये नहीं कि यहाँ भी डेसिमल लगा दो और यहाँ एक और लगा दो, दो दो डेसिमल मत लगा देना क्वेश्चन में, ठीक है। जैसे आपको दे दिया 91843/1000, यहाँ आपको डेसिमल ऑलरेडी गिवन है और फिर भी आपको 1000 से डिवाइड करना है तो डेसिमल इस तरफ 3 डिजिट खिसकेगा, आपको यदि नंबर पूरे डिजिट कंप्लीट नहीं हो रहे तो आप अपनी तरफ से आगे 0 लगाओगे इसमें, तो क्या बनेगा, डेसिमल 091843, ठीक है। और देखिए जैसे आपको दे दिया 4138/1000 लिख लो, आपको यहाँ डेसिमल लगा रखा है तो डेसिमल से आगे कितना नंबर पहले और लगेगा आपका डेसिमल, 3 डिजिट पहले लगेगा क्योंकि यहाँ हमारे पास 30 है, तो ये क्या बन जाएगा 4138, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन है वो सारे ऐसे की ऐसे हैं, इसमें डिवाइड करके नहीं दिखाने, आपको डायरेक्ट लिखने हैं, आप लिख लोगे जब 10 से डिवाइड करोगे तो यहाँ 5 से पहले डेसिमल लग जाएगा 4 और 5 के बीच, जब 100 से डिवाइड करोगे तो 3 और 4 के बीच डेसिमल लगेगा, 1000 से डिवाइड करोगे तो 1 और 3 के बीच लगेगा, और 10,000 से करोगे तो 1 से पहले, इन सभी पार्ट्स में ऐसे होंगे, तो आप टेबल बना के और फिर करेंगे इन क्वेश्चंस को, ठीक है। आप अपने आप कर लोगे, इसके सॉल्यूशन मैं नहीं भेजूंगी, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के सॉल्यूशन मैं भेज दूंगी, आप अपने आप कर लोगे इनको, ठीक है। थैंक यू।